नजर आ रही है नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA गैंगस्टर टैरर फंडिंग मामले के NIA की छापेमारी लगातार चल रही है। कई सूबे NIA की दबिश है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सने NCR के NIA के छापे लगातार चल रहे हैं। देश भर के 72 थावां ते नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। पंजाब के 30 ठिकाणों ते NIA की रेड है। सो दस दिए कि लगातार एक्शन मूड नज़र आ रही है नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गैंगस्टर टैरर फंडिंग मामले के NIA की दबिश देखने को मिली है। कई सूबे NIA ने छापेमारी की है, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सने NCR के कुछ इलाकों के NIA की दबिश है। छापेमारी लगातार चल रही है। सो तमाम वो चीज़ा जो शक के घेरे के नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार उघालने की कोशिश कर रही है। इस तहत गैंगस्टर टैरर फंडिंग मामले के भी हूँ NIA काफ़ी एक्शन मूड है। फोन लाइन से मेरे सहयोगी मनीष मेरे नाल जुड़े ने। मनीष, की जानकारी जो NIA दी वक्त-वक्त थावां ते लगातार छापेमारी चल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए पंजाब के अंदर खासतौर पर NIA 30 लोकेशन में छापेमारी कर रही है, लेकिन कई स्टेट्स में 72 लोकेशन पे ये छापेमारी हो रही है। और आप इस बात को जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो NIA को सेंट्रल एजेंसीज को इनपुट मिले थे कि कुछ राज्यों में जो क्रिमिनल्स हैं और गैंगस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन गया है, सिंडिकेट बन गया है, तो इसी सिंडिकेट को ब्रेक करने के लिए छापेमारी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग या पवाना गैंग के जो क्रिमिनल्स हैं उनसे NIA ने पिछले दिनों पूछताछ की थी, जिसके बाद ये फ्रेश इनपुट मिले थे कि इनके गैंग को कहां से वेपन्स मिलते हैं, कौन इनके गैंग में शामिल है, कौन इनकी मदद करता है और किस तरीके से इनको टारगेटेड किलिंग या लोगों के जो है वो वसूली करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। तो इसी सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और दूसरी बात आपको बताऊं मैं कि कुछ ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान की ISI जो गैंगस्टर का यूज कर रहे हैं भारत के अंदर जो टेरर से भी जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, नारकोटिक्स से जुड़े हुए जो ड्रग्स की लगातार जो खेप मिल रही है, हम आप देखें पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे, तो उसमें भी ऐसे नेटवर्क सिंडिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देश की सिक्योरिटी लिए खतरा है और इस वजह से ये रेट चल रही है। मनीष, खास तौर पर पंजाब के भी काफ़ी थावां ते जिहड़े ने छापेमारी लगातार की जा रही है, UP के भी या फिर कह लिए कि नाल दिल्ली NCR के कुछ इलाके NIA की लगातार दबिश चल रही है। कि हुण तक कुछ अहम कोई जानकारी, कोई इनपुट्स मिले ने या फिर कुछ बरामद किया गया NIA द्वारा? देखिए जो NIA के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम गैंगस्टर से और क्रिमिनल से पूछताछ हुई है तो उससे उनको नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली है कि किस तरीके से नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, किस तरीके से ड्रग्स की जो नारकोटिक्स की खेप है ये रिसीव की जाती है और किस कैसे पहुंचाना है, इसका जो गैंगस्टर जो है वो इसका फैसला करते हैं, वही मास्टरमाइंड है। ऐसे स्थिति में पंजाब में टारगेटेड किलिंग भी इन्हीं गैंगस्टर सिंडिकेट के जरिए कराई जा रही है, तो ये सारे इनपुट्स मिले हुए हैं। तो इस बेस पर आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री ये चाहता है, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, की पूरी तरीके से इस नेटवर्क को तोड़ा जाए, क्योंकि इसको एक टेररिस्ट जो ग्रुप है उनके लेबल पर मान के चला जा रहा है कि आने वाले टाइम में देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और इसीलिए जब तक ये सारे नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लिया जाता, उनके UAP जैसे गंभीर आरोप केसेस दर्ज किए जा रहे हैं जिससे इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा तमाम जानकारी सांझ पाउण दे लई। सो दस दिए कि एक्शन दे विच लगातार नजर आ रही है नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ते वक्त-वक्त थावां ते जिहड़ियां छापेमारी का सिलसिला भी निरंतर चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब के गैंगस्टरां का जिहड़ा नैटवर्क है वो लगातार वधिया ते उसनू हुण तोड़न दे लई, वह नैक्सस नू तोड़न दे लई हुण नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार वो चीज़ां खंगालन की कोशिश कर रही है जो कि शक के घेरे के विच ने, क्योंकि गुआंढी मुल्क लगातार कुजियां साजिशां घटदा हुआ नजर आ रहा है, जान बुझ के जिहड़ा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस लैके पूरे वक्त-वक्त थावां ते जिहड़ी है NIA की दबिश निरंतर देखने को मिल रही है। तो खास तौर पर UP, पंजाब, हरियाणा सने दिल्ली NCR के कई ठिकाणों के NIA की दबिश देखने को मिली है।